हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन होने जा रहा है, वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगेन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और स्पेशली आपको पार्ट थ्री में ये कंसेप्ट पढ़ने को होता है, कहीं कहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट वन में ही पढ़ने को मिलता है, बट मोस्टली आपको पार्ट थर्ड में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग पहले समझें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा लिंक पे लाने का, फिर समझाने का। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक वर्ड है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले बेसिक बात ये दिमाग में रख लेना है कि इससे डिफरेंशिएशन का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है, चलिए थोड़ा देर में हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, और मैं आपको बोलता हूं कि आप डी जेड बाई डी एक्स निकालो, ये निकालिए, ठीक है। तो डी जेड बाई डी एक्स निकालना है मतलब क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट करते हैं ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dz by dx is equal to d by dx of x square y plus y x square, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, चलिए इसको और थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u into v वाला रूल लगेगा, सबसे पहले d by dx of x square y plus d by dx of y x square, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, u into v वाला रूल लगेगा, क्या लगेगा, तो पहले x square को हम लोगों ने लिखा y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस y को लिखा x का डिफरेंशिएशन, x square का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर यहाँ पे u into v वाला फॉर्मूला लगेगा, y को लिखे x square का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने लिखा वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का फिर से क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई dx। अगर आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन में इसको इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे फंक्शन को बोले जाते हैं जहां पे x भी एक रिस्पेक्ट में हो, एक साइड हो इक्वल टू के, y भी एक साइड को। कुछ इक्वेशन में होता था क्या कि y बराबर कुछ दे देता था, तो उन सभी को हम लोग मतलब डायरेक्ट पड़ोस के दे देता था, लेकिन यहाँ क्या x को भी एक साइड रख दिया, y को भी एक साइड रख दिया है, तो हम लोग इसको बोलते थे इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होता था, पहले दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया जाता था, उसके बाद लास्ट में कॉमन लिया जाता था जो हमको निकालना है, जैसे कि dy by dx, dz by dx अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये x square plus x square, तो 2x square dy by dx plus 2y, y into 2x है तो क्या हो जाएगा 2 into 2y into 2x, तो ये हो जाएगा क्या 2x square dy by dx plus 4xy। तो ये हम लोग dz by dx निकाले। लेकिन अब क्या कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा वो समझिए। कंसेप्ट ये है कि डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि भाई साहब आप u into v वाला फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पे एंट्री होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बताता है कि इतना फॉर्मूला मत लगाइए, आपको मेन क्या ध्यान देना है, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। फिर से ध्यान देखिए क्या बोला जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोलेगा कि आप किसका ध्यान रखो, आप सिर्फ उस वेरिएबल का ध्यान रखो जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, और बाकी सारा अगर
अदर वेरिएबल भी है तो वो भी कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट पहले से ठीक है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस वेरिएबल को छुड़ा के जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, बाकी सारा वेरिएबल को इक्वेशन में हम लोग कांस्टेंट का रूप लेंगे। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, थोड़ा सा बड़ा भाई है, वो समझता है कितना कष्ट हम लोगों को होता है ऐसे करने में, तो वो क्या करता है हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करता है। कैसे रिलीफ प्रोवाइड करता है, बोलता है कि सिर्फ आप उसी वेरिएबल को वेरिएबल मानो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो फंक्शन का, बाकी सारा जितना वेरिएबल भी है तो आप उसको कांस्टेंट एज्यूम करके उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकालिए। मतलब समझते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे अगर हमको dz by dx निकालने बोला था तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, बोलता है भाई साहब इतना मत करो, आप क्या करो, आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dz by dx is equal to dy dx of x square y plus dy dx of y x square। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि dz by dx, अब बोल रहा है आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सिर्फ जो वेरिएबल होगा वो x ही होगा, बाकी अगर y आ रहा है z आ रहा है वो सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग y कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन करने के दरमियान कांस्टेंट को हम लोग क्या करते थे, बाहर करते थे, y को हम लोगों ने बाहर किया। यहां पे क्या बचेगा dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस, अब फिर ध्यान से देखिए यहां पे क्या है, y x स्क्वायर, y कांस्टेंट है बाहर आ गया, dy dx ऑफ x स्क्वायर, बात क्या हो जानी है y into x square का x के रिस्पेक्ट में 2x, y into x square का x के रिस्पेक्ट में 2x, इसी को क्या लिखेंगे 2xy plus 2xy that is 4xy, ठीक है ना। तो आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है। पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलता है सिर्फ आप उस वेरिएबल का ध्यान रखो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, बाकी जो भी वेरिएबल आ रहा है इक्वेशन में या फंक्शन में उनको आप कांस्टेंट एज्यूम करके उस पूरे को डिफरेंशिएट करो। तो हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, तुरंत आंसर आ गया, यहाँ पे क्या था जो भी जहां भी आ रहा था वाई उसको जो कांस्टेंट हम लोगों ने माना, ठीक है ना। अब सपोज करिए हमको, तो यहाँ पे आपको मेनली ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि वही बहुत अहम चीज है, वही तो रोल प्ले कर रहा है, उसी को वेरिएबल मानना है, बाकी सारे को तो कांस्टेंट मानना है। तो सबसे बेसिक चीज हमें यही ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए अभी जैसे एक क्वेश्चन यहीं पे मेरे को दे देता dz by dx, अब सपोज करिए इक्वेशन, अब एक और क्वेश्चन क्या देता कि आप dz by dy ये निकालो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे में y है तो y के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, क्या हो जाएगा ये dz by dy is equal to d by dy of x square y plus y x square, इसको सिंपल करेंगे तो डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई ऑफ वाई एक्स स्क्वायर, यहां तक कॉमन था, कोई मेरे को परेशानी नहीं था। बट अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप यहां पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में, तो बाकी एक्स आए या कुछ भी आए वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे मेरे को जो x स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, हम लोग उसको कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा d by dy of y, ठीक है ना, प्लस फिर से x स्क्वायर क्या कांस्टेंट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d by dy of y, ये क्या हो जाना है x स्क्वायर, वन इसका वैल्यू तो x स्क्वायर इंटू वन प्लस x स्क्वायर इंटू वन That is 2x square.
तो फिर से समझिए कि ध्यान आपको सिर्फ वही देना है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, बाकी जो भी वेरिएबल इक्वेशन में आ रहा है उसको हमें कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करना है पूरे इक्वेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का थोड़ा बड़ा फायदा इजी कर दिया हम लोगों के। अब बात आता है हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा वो देखते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर तो थोड़ा सा रफ आइडिया मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पार्शियल डेरिवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है, थोड़ा सा मैं आपको अभी समझाऊंगा पार्शियल डेरिवेटिव। दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी या पार्शियल इलास्टिसिटी आप बोलो तो थोड़ा और बेटर लगेगा, पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, दो कमोडिटी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दो कमोडिटी है और मेरे को इतना प्राइस, अगर इनकम इतना है और उसका प्राइस इतना है तो कितना मेरे को कितना परचेज करना चाहिए कि मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। नाम क्या है देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब उपभोक्ता का संतुलन, मतलब जहां संतुलन वैसे बिंदु को बोला जाता है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज रहना पसंद करता है। तो एक उपभोक्ता कहाँ रहना पसंद करेगा, जहां पे उसको सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग वही कॉम्बिनेशन निकालेंगे एक्स और वाई का जहां पे एक उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा संतुलन मिलेगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और मजा से समझ में आएगा इन सब ये सारी बातें। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे कांसेप्ट, होमोजेनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम, प्रॉफिट लेवल, बाकी सारा जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सीईएस फंक्शन, इन सारे ये सारे जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मजे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव जो इसका पहला पार्ट है, जो इसका पहला एप्लीकेशन है, उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी दे देता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग कुछ और इस पे आज वीडियो बनाए इस एप्लीकेशन पे। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोला जाता है देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कुछ है नहीं, ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव जैसे अभी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, dy by dx और dx by dy, इसी को नाम दे दिया कि कोई फंक्शन है dz by dx, dz by dy, तो इसी को नाम दे दिया। इसको क्या बोल रहा है ना कि हम लोग निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब ये एफ एक्स हो गया। यहाँ पे क्या है, कोई जेड फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये मेरे को जो मिला वो एफ वाई हो गया। और इसी को वो क्या बोल दिया, फर्स्ट ऑर्डर या फिर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आप बोल दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर कुछ नया नया कंसेप्ट आएगा, कुछ नया नया टर्म आएगा, तो वो मैं आपको अभी फेयर इनफ नहीं होगा कि इसी वीडियो को कंटिन्यू करूं बिकॉज कितना लंबा कितना टाइम हुआ मेरे को नहीं पता। बट हम लोग इसी पोर्शन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट बेसिक समझ लीजिए कि हम लोग अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो जो निकल के आ रहा है उसको हम लोग जनरली एफ एक्स बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं क्या है, वो डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है। क्या उसका नाम के ऊपर है पार्शियल डेरिवेटिव, ये समझ में आ रहा है क्या, वहां पे क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज किया हम लोगों ने, फिर हम लोग निकाल रहे हैं। और डायरेक्ट कैसे नाम पड़ा ये सारा एकदम थोड़ा सा मजेदार है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। बट बेसिक ये याद रखिएगा, dz by dx क्या है, डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, dz by dy क्या है, वो है वो भी डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है कंटिन्यू करेंगे सेम यहाँ से, और हम लोग उसमें जो है पहला एप्लीकेशन पढ़ने का कोशिश करेंगे जो होगा हमारा क्या, तो हमारा
पार्शियल डेरिवेटिव मजेदार है और बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शायद आपको पसंद आए, और आपको पसंद आया हो तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज दीजिएगा, एक्सपीरियंस ऑलवेज बेटर, तो एक्सपीरियंस ये सब चीजों से आता है, आप कुछ कहें हम कुछ कहें फिर एक नया चीज मिले, तो देखते हैं हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।